हे गाइस, वेलकम इन फैक्ट ड्रिल। रिसेंटली अभी न्यू डेवलपमेंट देखने को मिली है चाइना और अमेरिका के रिलेशनशिप में। नई न्यूज़ के अनुसार ये है कि यूएसए ने एक बिल को पास कर दिया है टू काउंटर चाइनाज इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस। ओके, जो ग्लोबली इन्फ्लुएंस है चाइना का इंडस्ट्रियली, उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका ने एक बिल को पास किया है टू बूस्ट दी अमेरिका इंटरनल, जो अमेरिका का डोमेस्टिक सेक्टर है इन सब एरियाज में, उसको बूस्टअप करने के लिए। तो न्यूज़ ये है कि यूएस सेनेट ने 6832 से वोट किया है टू अप्रूव अ बिल, और इस बिल का मेन मकसद है टू बूस्ट यूएसए एबिलिटी टू कम्पीट विथ चाइनीज टेक्नोलॉजी। जो चाइना की टेक्नोलॉजी है उसके विरुद्ध कम्पीट करने के लिए यूएसए का जो एबिलिटी है, यूएसए की जो क्षमता है, उसको बूस्टअप प्रोवाइड करने के लिए, उसको एक तरह से आप कहें तो बूस्ट, मेजर बूस्ट प्रोवाइड करने के लिए बिल को फॉर्म किया गया है। तो यहाँ पे स्वाभाविक सी बात है चाइना फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा। तो चाइना ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। चाइना ने कहा है कि बिल एज अ रिप्रेजेंट करता है कि अमेरिका चाहता है टू बिकम दिस सोल विनर इन दिस सेक्टर। अमेरिका खुद एक विनर बना रहना चाहता है इन सब सेक्टर्स में, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि बिल डिस्टॉर्ट करता है ओरिजिनल स्पिरिट ऑफ इनोवेशन एंड कॉम्पिटिशन। जो स्पिरिट है इनोवेशन और कॉम्पिटिशन का, उसको डिस्टॉर्ट करता है ये बिल। बिल में मेजर क्या क्या बातें कही गई है, तो इस बिल में वैसे सेक्टर जिनमें कि चाइना अमेरिका को कड़ी टक्कर दे रहा है, उन सब सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने का काम करेगा और उस सब सेक्टर पे फोकस करेगा, है ना। तो ये बिल, सबसे पहले तो बिल में क्या कहा गया है, तो बिल एलोकेट करता है 190 बिलियन यूएस डॉलर फॉर प्रोविजन ऑफ स्ट्रेंथनिंग टेक्नोलॉजी इन यूनाइटेड स्टेट्स। साथ ही साथ बिल एलोकेट किया है 52 बिलियन यूएस डॉलर, 52 बिलियन यूएस डॉलर को एलोकेट किया है टू इंक्रीज द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर। जो सेमीकंडक्टर का डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए ये बिल 52 बिलियन यूएस डॉलर को एलोकेट किया है। और भी नंबर्स और बातें कही गई है इस बिल में, उनमें से एक है कि टिकटॉक जो कि चाइनीज शॉर्ट वीडियोज ऐप है, उसको बैन कर दिया गया है फ्रॉम डाउनलोडिंग ऑन गवर्नमेंट डिवाइसेस। जो भी सरकारी डिवाइसेस होंगे उन पर अब वहाँ के ऑफिशियल्स ये ऐप को, टिकटॉक को डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ डिप्लोमेट्स और ताइवानीज मिलिट्री के लोग, ताइवानीज मिलिट्री पर्सनल्स यूनाइटेड स्टेट्स में जो भी ऑफिशियल बिजनेसेस में जाएंगे, अब डिस्प्ले कर सकते हैं अपना फ्लैग, ताइवान का फ्लैग, और साथ ही साथ यूनिफॉर्म भी पहन सकते हैं जो भी उनका यूनिफॉर्म है। पहले बैन था लेकिन अब इसे बैन को हटा दिया गया है, अब वे प्रॉपर तरीके से ताइवान का फ्लैग डिस्प्ले कर रहे होंगे और साथ ही साथ प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन रहे होंगे ताइवान के मिलिट्री। साथ ही साथ अब अमेरिका हर वो एक्सपोर्ट को, अपने एक्सपोर्ट को रिव्यू करेगा पूरी बारीकी तरीके से टू सी दैट जो भी एक्सपोर्ट हो रही है कहीं इनडायरेक्टली सपोर्ट तो नहीं कर रहा है ह्यूमन राइट अब्यूजेज को। तो यहाँ पे अपने हर एक एक्सपोर्ट को रिव्यू कर रहा होगा। जाहिर सी बात है इन सब डेवलपमेंट और ये नए बिल के कारण चाइना काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव मूड में आ गया है। तो चाइना के जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी, चाइना टॉप लेजिस्लेचर इस बिल को कहा है एज एन अटेम्प्ट टू इंटरफेयर इन कंट्रीज इंटरनल मैटर्स। कंट्री का जो इंटरनल अफेयर्स है, उन्होंने चाइना यहाँ तक कह दिया कि जो उनकी कंट्री का इंटरनल अफेयर्स है उसको, उनमें इंटरफेयर करने का एक अटेम्प्ट कर रहा है अमेरिका। साथ ही साथ ये भी कहा है कि ये डिप्राइव करता है, बिल डिप्राइव करता है द राइट टू डेवलपमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक डिकपलिंग। जो भी राइट है चाइना का टू फॉर इट्स डेवलपमेंट बाई यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक, तो उन सब बातों को ये बिल डिप्राइव कर रहा है। तो यहाँ पर टोटली और भी नीचे जाएंगे चाइना और अमेरिका के रिलेशनशिप, और भी इसमें नए न्यूज आ सकते हैं। अभी बिल को व्हाइट हाउस भेजा जाएगा, उसके बाद प्रॉपरली इस बिल को अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पर जो भी न्यूज़ आती है मैं आपको अपडेट करूँगा। यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो बाइडन भी सेम स्टैंड लिए हुए हैं चाइना पर, जो कि डोनाल्ड ट्रंप पे हमें देखने को मिल रहा था। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिए।